बहुत ही उम्दा तरीके से मेहमान है ये जो कैंडिडेट इस वक्त आप देख रहे हैं। शुरू से बच्चे को देखो इसकी यूनिफॉर्म कैसी हो चुकी है। हाउ इज द जज? हाउ इज द जज? हाउ इज द जज? हाउ इज द जज? पूरे भारतवर्ष को सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। कुछ तो बात है मेरे देश की मिट्टी में साहिब, यूं ही नहीं आते लोग यहाँ सरहदें कूद के दफन होने के लिए। नमस्कार, मैं हूँ आज आपके साथ रूही टुंडल, DICC रामबन। आप सभी का स्वागत है हमारे फेसबुक पेज के गवर्नमेंट स्कूल्स ऑफ जम्मू प्रोविंस में। प्यारे साथियों, आज मैं आपको ले चलूँगी हमारी डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन, जहाँ पर हमारा 76वां आज़ादी का अमृत महोत्सव और 76वीं आज़ादी हम यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि आज बारिश जो है वो बहुत ज़ोरों से है, लेकिन हमारे हौसले जो हैं वो बुलंद हैं, हमारे बच्चों के हौसले बुलंद हैं। उन्हीं हौसलों की कुछ झलकियाँ मैं आज आपको यहाँ पर दिखाने लाई हूँ। तो देखते हैं आज की हमारी डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन की इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन। जम्मू व कश्मीर के तमाम नवासियों, मौजूद शहरियों और दिल्ली के आज हम जिस पर मुकर्रर और लुत्फानंदोज विदाउट का लुत्फ उठा रहे हैं, ये अपनी जाबाज चिंता बड़ा दीवार की तरह खड़े होकर हिंदुस्तान आजादी के 75वें साल मुकम्मल होने की और आवाज प्लस के तहत हम साल 22,970 नए मकानात बहुत ही उम्दा तरीके से मेहमान एक दूसरे को सलामी सलाम के जज्बे को सलाम। पीछे हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर पुलिस का कैंडिडेट बाप में ये जो कैंडिडेट इस वक्त आप देख रहे हैं, ये आज भी उम्दा तरीके से हाजरीन बारिश की हाजरीन सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ साथ अपने सिक्योरिटी के जवानों के साथ साथ बहुत ही उम्दा तरीके से हाजरीन। इसके पीछे जो टुकड़ी आप देख रामबन की ये बच्चियां, इनके हौसले को सलाम है, इनके जज्बे को सलाम है। हमारी बेटियां बहुत तिरंगे को सीने से लगा के रखा है कि हम अपने देश की आन बान शान को बनाए रखेंगे। हाजरीन, इसके पीछे जो टुकड़ी आ रही है बहुत ही जज्बा, बहुत ही इनका हौसला बुलंद है। हाजरीन, इसके पीछे जो टुकड़ी आ रही है वो नेशनल हाई स्कूल के ये बच्चे बहुत ही उम्दा लिबास में रामबन पब्लिक स्कूल, रामबन पब्लिक हाई स्कूल के भी बच्चे और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए इतने ही दिनों से कड़ी मेहनत देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत तरीके से धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए इन एक्सेप्ट करते हैं। इस जज्बा देखिए बच्चों का, पीछे आप देखिए
घर को छोटे से बात चाहिए कि दाना खाक में मिलकर गुरु गुरुकार होता है। ये बच्चे देखिए कितने जज्बे के साथ यहाँ पर गोल्डन एरा के बच्चे मन चोटी ना करें हाजरी जोरदार तालियां बजाएं। उसके पीछे फिर मासूम से बच्चे और बच्चियों के दो कंटिजेंट, ये दोनों कंटिजेंट कंटिजेंट आ रहा है, उसके कमांड साक्षी कर रही है मिस साक्षी। ये अपने धड़कन हमारे दिलों को बांटते हुए पार्क पार्क जोरदार तालियां होनी चाहिए। ये हमारे आर्मी के जो यहाँ बिहार रेजिमेंट ये जोरदार तालियां ये आर्मी रंजा चुके थे। सुबेदार सुकलेश्वर रोड लेकिन हमारे हौसले बुलंद हैं, हम भी अपने हौसलों को बनाए रखे हुए हैं। जो स्टूडेंट्स हैं तो आप मंच पर तशरीफ लाएंगे। प्लाटून कमांडर, वर्दी तो काफी आपकी खराब हो चुकी है, तो कैसा लग रहा है आपको? एक सभी क्वेश्चन, कैसा लग रहा है आपको? होल्ड द जोश, होल्ड द जोश। इस खूबसूरत से बच्चे को देखो, इसकी यूनिफॉर्म कैसी हो चुकी है। बच्चे कैसा लग रहा है आपको? बड़ा अच्छा लग रहा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। थक तो नहीं गए? नहीं। ठीक तो नहीं गए? नहीं। जोश कैसा है? जोश सात में आसमान पे है। ओह ग्रेट ग्रेट, सात में आसमान पे है। देखिए इसका जोश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओके गॉड ब्लेस, वेव कर दो। हाउ इज द जोश? बहुत अच्छा लग रहा है, यानी कि आज बहुत अच्छा मौसम है, तो हम चाहते हैं कि हम परफॉर्म करें और बहुत अच्छा हो। अच्छा लग रहा है सर, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है सर, यहाँ इस बारिश में इतना अच्छा मौसम है सर, बहुत अच्छा लग रहा है सर। ओके जी, और आप बताइए कैसा महसूस हो रहा है? हमें सेम फीलिंग, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, और एक्चुअली हमें वेदर तो ज्यादा ही अच्छा लग रहा है, आप ये चाहते थे कि बारिश हो और हमारी भारत माता की खुश हो। अच्छा लग रहा है मैम, आपको कैसा लग रहा है? हम करवा रहे थे, प्रिपरेशन करवा रहे थे, लेकिन लास्ट टाइम पे हमें थोड़ा मानसून ने थोड़ा सा डिस्टर्बेंस दे दी, बट फिर भी हमारा जोश उत्साह वैसा ही। इंडिपेंडेंस डे है, आजादी का दिन, हमने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। ओके मैम, मेंबर्स हैं, इलेक्टेड मेंबर्स हैं, बीडीसी के मेंबर्स हैं, उनसे भी दिखा रहे हैं कि मंच पे तक। ओके थैंक यू। हाउ इज द गो? हाय सर, वेरी गुड। चैनल है भारत का, हमारा हर चमचमाती हुई। तो बच्चों कैसा लग रहा है आपको? हाउ इज द जोश? हाउ इज द जोश? Thank you.
नमस्कार मैम। नमस्कार। तो मैम, आज जैसा कि हम 76 इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं, तो डिस्ट्रिक्ट रामबन के लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं पूरे भारतवर्ष को सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि आज हम 76वां जो अपना आज़ादी का दिन है वो मना रहे हैं। 75 साल पूरे हो चुके हैं और उसका सबसे बड़ा जो एक त्यौहार की तरह हम सब ने हर घर तिरंगा जो लहराया है, उस सब की भी मुबारकबाद देना चाहती हूँ। और पूरे हिंदुस्तान का, देश का जो बच्चा बच्चा है वो रोमांचित है और हर एक नागरिक जो है वो प्रसन्नता से झूम रहा है कि आज हमें 75 साल पूरे हो चुके हैं और 76वां जो जोमे जमहूरिया जो है वो आज हमने मनाया। मैं ये संदेश देना चाहती हूँ पूरे हिंदुस्तान से कि हम आज़ाद हुए तो 75 ईयर्स हो चुके हैं, लेकिन अब हमें स्वदेशी चीज़ों को अपनाकर हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर बनाना है। हर यूथ, हर जवान, हर बच्चा, हर पेरेंट जो है, जब वो इस अब हमें इस चीज़ पर सोचने की ज़रूरत है कि हिंदुस्तान में हम हर चीज़ हिंदुस्तान की बनी हुई पहनेंगे और वो हर चीज़ जो है उसका इस्तेमाल करेंगे जो हमारे देश में बनी हुई है। इसी से हमारे युवाओं को, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट को और हमारे लोगों को और प्रोत्साहन मिलेगा कि वो और से और ज़्यादा चीज़ें बनाएं, और जब हर नागरिक उसका इस्तेमाल करेगा तो उससे हमारे उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा और हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी शक्ति बनकर उभरेगा। इसके लिए आज हम सबको ये संकल्प लेना चाहिए और मैं यूथ से यही कहना चाहूँगी कि इसी संकल्प को लेकर आगे बढ़ना है और जब आज़ादी के 100 साल पूरे हों तब तक हिंदुस्तान जो है उसकी वो आत्मनिर्भर बन चुका होना चाहिए। क्या वो हमारे एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रीज़ हैं, या हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं और हमारी एजुकेशन है, हमारा हेल्थ है, हमें इन 5-6 जो डिपार्टमेंट्स हैं इनके ऊपर हमें अच्छी तरह से काम करना है। और 25 साल के बाद जब हम 100 साल पूरे करेंगे तो हमने इन सब चीज़ों में नंबर 1 बनना है। ठीक है मैम, थैंक यू। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।